डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नामक चैप्टर को पढ़ रहा था, जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.4 तक के क्वेश्चंस को पूरा हम लोगों ने सॉल्व किया था। चलिए आइए आगे हम लोग चलते हैं 6.5 के लिए कुछ थ्योरी को पहले सीखते हैं, और फिर उस हिसाब से हम लोग जब थ्योरी सीख लेंगे फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 के लिए कुछ थ्योरीज को देखते हैं। तो लिखा जाए एक्सरसाइज 6.5 थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स बनाया जाए मैक्सिमम और मिनिमम, ये टॉपिक्स है। इसमें नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन हमें दिया रहेगा तो एक्स वाला का कोफिशियंट, एक्स वाला जिसके साथ रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग एक्स पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? एक्स पार्ट। यानी कि जो हम लोग एफएक्स का वैल्यू दिया रहेगा, एफएक्स का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा, उसमें जो जो एक्स के साथ रहेगा हम उसको बोलेंगे कि एक्स का ये पार्ट है। जैसे आपको हम बोले कि अगर एफएक्स बराबर दिया हुआ है 2x² - x + 4, तो आप यहां बोलेंगे कि इसमें x पार्ट कौन है, तो इसमें दोनों को ही हम बोलेंगे x पार्ट। यानी x पार्ट का मतलब हुआ कि जिसमें x सटा हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे x पार्ट। ऐसा नहीं है कि x पार्ट का मतलब सिर्फ x वाला ही होता है, ऐसा कभी नहीं। x पार्ट का मतलब x स्क्वायर भी है, चाहे x रहे चाहे x के पावर क्यू रहे, सबको हम लोग बोल देंगे x का पार्ट, x पार्ट, ठीक है। अगर मान लिया ऐसा रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस एट या प्लस एट, तब ऐसे कंडीशन में आप x पार्ट किसको बोलेंगे दोस्त? तो हम क्या बोले, जिसके साथ x रहता है, आप इसका मतलब क्या समझेंगे, x प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो यहां पे जो x पार्ट हुआ वो पूरा हो गया क्योंकि x फोर के साथ अटैच्ड है, इसलिए यहां पे x का पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। तो x पार्ट का मतलब क्या समझना है, जो चीजें x के साथ रहेंगी, जो चीजें x के साथ रहेंगी वो x पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पे x पार्ट कौन है, x प्लस फोर का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम को पहचान करने के लिए कोई भी फंक्शन हमें दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी के रूप का, तो आपको x पार्ट किसको बोलना है पता चला, जिसके साथ x रहेगा, जिसके साथ x अटैच्ड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे x पार्ट, ठीक है। चलिए अगर आप x पार्ट को समझ लिए तो समझिए आपने मैक्सिमम और मिनिमम को समझ लिया, क्योंकि यहां पे उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। तो इसके लिए पहला जो कंडीशंस है और दूसरा जो कंडीशन है कुछ इस प्रकार का है, व्हेन x पार्ट जब दोस्तों जीरो से बड़ा हो गया तब हम बोलेंगे देन मिनिमम वैल्यू। देखिए मिनिमम का तो स्पेलिंग एम आई एन आई एम यू एम होता है, लेकिन शॉर्ट में इसको लिखने के लिए मिन के पावर एम लिख देते हैं, मिन के पावर एम। जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखते हो ना एक्स के पावर टू, वैसे ही मिन के पावर अगर एम लिखा जाए तो आपको क्या समझना है, मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम को शॉर्ट में लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू बी। लेकिन दोस्तों अगर इसका उल्टा दूसरा, व्हेन एक्स पार्ट
इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा होगा, देन मैक्सिमम, देखिए मैक्स, मैक्सिमम का स्पेलिंग एम ए एक्स आई एम यू एम, लेकिन मैक्सिमम को कैसे लिखते हैं, मैक्स के पावर एम। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से आपको देख पा रहे होंगे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा बी, ठीक है। अब जरा चीजों को समझिएगा कि हम यहां पे क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा क्योंकि यही हम लोगों का थ्योरी है। अगर आप थ्योरी अच्छे से नहीं समझते हैं, आपका थिंकिंग पावर थोड़ा सा लो हो जाता है और फिर आप क्वेश्चन में उस बात को आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आप बेसिकली चीजों को ढंग से समझिए। यहां पे हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम। दोस्तों मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा या फिर अधिक से अधिक, और मिनिमम का मतलब होता है कम, और कम का मतलब कम से कम, उसको हम लोग मिनिमम कहते हैं, और मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक, मतलब बहुत अधिक, ठीक है। ये चीजें होती है मैक्सिमम और मिनिमम में। लेकिन इसके अलावा हमें जो समझना है अभी फिलहाल कि आखिर किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम कब पता करते हैं और मिनिमम कैसे पता चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमम है, ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, ये कैसे पता चलेगा भाई, ये कैसे पता चलेगा। तो यहां पे पता करने के लिए हम लोगों को कुछ दिया गया, कुछ क्वेश्चंस होता है, दिया गया कुछ क्वेश्चंस होता है, उस क्वेश्चंस पे हम लोगों को सॉल्यूशन करना होता है। जैसे अगर हम बोले, जैसे हम बोले कि एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा एक मिनट, यहां पे क्या बोला गया कि अगर एक्स वाला जो पार्ट है जीरो से बड़ा रहेगा तब मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बी, यानी कि अगर ये वाला पार्ट अगर बड़ा होता चला गया, ठीक है, बड़ा होता चला गया तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या कि ये मिनिमम वैल्यू है, यानी बी एक मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर यही ए एक्स, यानी एक्स पार्ट में तो ए एक्स है ना, लेकिन यही ए एक्स जीरो से छोटा हो जाता है, जीरो से छोटा हो जाता है, तो जब जीरो से छोटा हो जाता है तब हम इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यानी कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पहचानने के लिए आपको एक्स पार्ट जरा अच्छा से समझ में आना चाहिए कि एक्स पार्ट क्या है। तो अगर एक्स पार्ट, दोस्तों हम आपसे पूछेंगे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है भाई, इसमें तुम मिनिमम वैल्यू बताओ, इसमें तुम मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि क्या होगा, तो तुम मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे एक्स पार्ट। अगर एक्स पार्ट जीरो से बड़ा होता है आप बोलोगे कि ये सर मिनिमम वैल्यू है। अगर एक्स पार्ट जीरो से छोटा होता है आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब जरा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको समझना शुरू करेंगे। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर वन, क्वेश्चन क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ fx is equal to 2x square plus 3, then find minimum या maximum value, ठीक है। सवाल जरा ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहे हैं, इफ एफ एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर है प्लस 3, देन फाइंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। सवाल क्या बोल रहा है जरा अच्छे से समझोगे भाई, एफ एक्स का वैल्यू है ना हमें दिया हुआ है, अब इसमें हम इसको देखकर हमें ये पता करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यानी मिनिमम या मैक्सिमम में से तो कोई एक ही हो सकता है, तो क्या हो सकता है, ये चीजें हमें निकालना है। इसका सॉल्यूशन करेंगे,
यहां पे हियर एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, तो 2x² + 3, ठीक है। यहां पे एफ एक्स का वैल्यू चाहे लिख सकते हैं, यहां पे गिवन, हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3। लेकिन दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को बताने के लिए, ज्ञात करने के लिए, आपको सबसे पहले एक्स पार्ट पता होना चाहिए कि एक्स पार्ट क्या है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक्स पार्ट से ही हमें पता चलता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। क्यों, कब, जब एक्स पार्ट का वैल्यू 0 से बड़ा होता है हम बोल देंगे कि बी जो है मिनिमम है, तो बी का रोल निभा रहा है बिना एक्स वाला, यानी कि 3। एक्स वाला पार्ट तो पूरा हो गया ना, तो एक्स वाला पार्ट आपको यहां पे पता चल रहा है कि एक्स वाला पार्ट आपको 2x² है। तो यहां पे आप लिखेंगे हियर एक्स पार्ट इज इक्वल टू 2x², ठीक है, यानी कि एक्स पार्ट यहां क्या है 2x² है और प्लस में 3 है। अगर एक्स पार्ट 0 से बड़ा होता है तब हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं, उल्टा होता है, उल्टा होता है। अगर 0 से छोटा होता है एक्स पार्ट, देन हम बोल देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले एक्स पार्ट पहचान लिया हम लोग किसी भी दिया गया क्वेश्चन में। अब एक्स पार्ट अगर हम लोगों को पता चल गया, एक्स पार्ट पता चल गया, जब एक्स पार्ट पता चल गया कि भाई 2x² है, अब आप चेक करो इसको अपने हिसाब से कि आखिर ये एक्स पार्ट बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। तो एक्स एट एक्स बराबर आप 0 पे ले लो, या फिर कितना पे ले लो, एट एक्स बराबर 1 पे ले लो, एट एक्स बराबर -1 पे ले लो, एट एक्स बराबर -2 पे ले लो, ठीक है। तो जब एट एक्स बराबर जब 0 लेंगे तो एक्स पार्ट कितना आएगा, एक्स पार्ट आएगा 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। फिर अगर एक्स का वैल्यू आप 1 रखोगे यहां पे, तो 1 का स्क्वायर 1, यानी एक्स पार्ट यहां कितना आ रहा है 2। अगर आप एक्स पार्ट यहां पे -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना, और 1 को 2 से मल्टीपल करेगा 2। अगर आप -2 रखा तो एक्स पार्ट का वैल्यू कितना होगा, तो -2 का स्क्वायर 4, और 4 2 8। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कोई भी निगेटिव में तो आया नहीं, सभी चीजें हमें क्या निकल रही है, पॉजिटिव वैल्यू निकल रही है, और जो भी पॉजिटिव वैल्यू होती है वो हमें 0 से बड़ा देती है। तो यहां पे आप लिखेंगे हियर एक्स पार्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर 0 से बड़ा है, क्योंकि सब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो जब 0 से बड़ा हो जाए तो हम बोलेंगे सो जब देखिए दोस्तों 0 से जब बड़ा होता है तो ये मिनिमम वैल्यू हो जाता है ना, सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। क्यों 3 हो जाता है, क्योंकि एक्स पार्ट जब 0 से बड़ा होता है वो हो जाता है मिनिमम, बाद वाला मिनिमम, लेकिन जब एक्स पार्ट 0 से छोटा होता है तो यही हो जाता है मैक्सिमम। यानी एक्स प्लस बी का मतलब बी होता है बिना एक्स वाला, अभी बताएं, और एक्स मतलब एक्स वाला पार्ट। तो जब कभी भी अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, ध्यान दीजिएगा सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोगों की मिनिमम मैक्सिमम भी बहुत तरह के टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। हम लोग देखिए यहां पे कि अगर एक्स पार्ट 0 से बड़ा होता है तो वो मिनिमम हो जाता है, अगर यही निगेटिव आ जाता, माइनस में सब मान माइनस में आ जाता, हम एक्स पार्ट बोलते 0 से छोटा, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाता, यानी कि 3 ही होता आंसर, लेकिन मिनिमम होता कि मैक्सिमम होता ये हम लोग इसी प्रकार चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन से भी अगर आपको समझ नहीं आया होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है, ये एफ एक्स का वैल्यू है और हमें यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है भाई, यहां पे सबसे पहले आप लिखो गिवन एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। अब आप सबसे पहले समझो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप काम क्या करते हो, तो एक्स पार्ट निकालते हो, अब एक्स पार्ट निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि जो दिया गया फंक्शन है उसमें एक्स पार्ट है क्या। तो आप चीजों को क्वेश्चंस को देख के समझ में आ रहा होगा आपको कि यहां पे जो एक्स पार्ट है ना वो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे लिखेंगे हियर एफ एक्स सॉरी एक्स पार्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब अगर एक्स पार्ट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर आ गया फिर हम क्या करने वाले हैं, अब आपको तो चेक करना पड़ेगा ना भाई कि एक्स पार्ट जीरो से बड़ा आ रहा है कि एक्स पार्ट जीरो से छोटा आ रहा है, क्योंकि मैं सब खेला तो एक्स पार्ट पे ही है, क्योंकि अगर वो बड़ा होता है तो मिनिमम होगा, अगर वो जीरो से छोटा है मैक्सिमम होगा। तो यहां पे आप चेक पा रहे, अपने खुद से चेक करना है, एट एक्स बराबर जीरो पे चेक किया, एट एक्स बराबर वन पे चेक किया, एट एक्स बराबर माइनस टू पे चेक किया या फिर माइनस वन पे चेक किया, कुछ भी कर लो या फिर माइनस टू पे भी चेक किया, जितना पे भी मन करना है ना आपको चेक करने का उतना पे आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब x बराबर जीरो पे दिखा तो x पार्ट का आंसर क्या आया जरा देखते हैं, x की जगह पे जीरो रखोगे भाई, जीरो में दो जोड़ा दिया, दो और दो का स्क्वायर कितना चार, x की जगह पे वन रखा तब x पार्ट कितना हुआ, जब x की जगह पे वन रखा तो दो और एक मिलके हुआ तीन और तीन का स्क्वायर बन गया नौ, ठीक है। x की जगह पे माइनस वन रखना है तो एक्स पार्ट कितना होगा, एक्स की जगह पे दोस्तों अगर माइनस वन रखेंगे, ये माइनस वन और ये प्लस टू, तो प्लस टू में से माइनस वन गया तो वन और वन का स्क्वायर सिर्फ वन, ठीक है। अब एक्स की जगह पे माइनस टू रखना है तो एक्स की जगह पे आप माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू और प्लस टू कितना होता है जीरो और जीरो का स्क्वायर हो जाता है जीरो। आप दोस्तों यहां से देख लिया जाए कि x पार्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है जीरो से छोटा आ रहा है, क्योंकि दो ही चीज ना है, आप देख पा रहे होंगे सभी चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आपको लगता होगा दोस्तों कि सर अगर ऐसा आता है कि दोनों ही चीज आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए और निगेटिव भी आ जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे कि ना ही मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। हालांकि ऐसा सवाल न के बराबर मिलता है, ऐसा सवाल ही देता है कि या तो आपको जीरो से बड़ा होगा या तो जीरो से छोटा होगा। लेकिन आपका कहना यह है कि सर अगर किसी सवाल में प्लस फोर आए और माइनस वन आ जाता तब क्या करते हैं, तब हम इसको बोल देते हैं नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, न ही इसका मिनिमम हो सकता है और न ही इसका मैक्सिमम ज्ञात हो सकता है, ठीक है। वी डोंट फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन,
हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको पता चल रहा है हियर एक्स पार्ट का जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा आ रहा है। तो जब एक्स पार्ट का जो वैल्यू जीरो से बड़ा आ रहा है तो हम बोल देंगे सो जीरो से बड़ा आता है तो क्या होता है मिनिमम वैल्यू, शो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू बी के जगह पे कितना है दोस्तों -3, तो -3 आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम को समझे। चलिए अभी और थ्योरी बचा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इन चीजों को करने के बाद फिर हम लोग नए टॉपिक्स पे आते हैं। ध्यान रहे थ्योरी के एग्जांपल था ये, क्योंकि हम लोग थ्योरी में जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका अगर यूज ना किया जाए तो फिर हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पहला टाइप हम लोग समझे मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसको हम लोगों ने समझा। चलिए अब आइए आगे चलते हैं। सम इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉरी। तो अब टॉपिक देंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग लिखेंगे कि आखिर ट्रिगोनोमेट्री के कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसे हम लोगों को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है उन चीजों को। तो पहला प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से है, -1 साइन एक्स 1 दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1। देखिए पहला जो प्रॉपर्टीज लिखे हम लोग दोस्तों, इस प्रॉपर्टीज को आप याद रखिएगा कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री है उस ट्रिगोनोमेट्री का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला हम लोग प्रॉपर्टीज सीखे क्या कि -1 से साइन एक्स का वैल्यू ज्यादा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, साइन एक्स का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज, इसको क्या पढ़ते हैं जैसे आप लिखते हैं ना अंग्रेजी में दैट इज का मतलब होता है, इसका मतलब यह है कि, जैसे आप लिखते हैं ना कि इसका मतलब यह हुआ कि, तो उसी तरीके से दैट इज मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि, यानी कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ वो चीज बता रहा है। तो इसको हम लोग आई और डॉट करके ई डॉट लिख देते हैं, तो आई को पढ़ते हैं दैट इज, क्या पढ़ते हैं इसको दैट इज का नोटिफिकेशन है, और दैट इज का मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ। तो अगर दोस्तों ये पहला चीजें याद रखना चाहिए आपको कि अगर क्या होता है पहला प्रॉपर्टीज कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर या फिर 1 से छोटा या बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, यानी कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, और साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है -1, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1। ठीक है, यानी कि कोई पूछेगा कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, आपको बताना होगा -1। कोई पूछेगा साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, हम बोलेंगे 1, सिर्फ 1। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टीज है, इसको याद रखिएगा कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, कभी भी 2 नहीं होता, कभी भी 4 नहीं होता,
साइन एक्स का वैल्यू इतना ही के बीच में होता है। इसका मतलब साइन एक्स का मैक्सिमम अधिक से अधिक उसका मान एक हो सकता है और कम से कम उसका मान माइनस एक हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा नंबर लिखा जाए, साइन टू एक्स का वैल्यू अगर वन हुआ, दूसरा साइन टू एक्स का वैल्यू अगर वन हुआ, ठीक है, इफ साइन टू एक्स इज इक्वल टू वन, देन एक्स के जगह पे क्या क्या होगा, तो एक्स के जगह पे पाई बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर, नाइन पाई बाई फोर, तेरह पाई बाई फोर एंड सो ऑन का मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों जो दूसरा प्रॉपर्टीज है ट्रिगोनोमेट्री का, ट्रिगो का, वो दूसरा प्रॉपर्टीज ए है कि अगर साइन टू एक्स का वैल्यू वन कहीं दिया हुआ रहे, साइन टू एक्स का वैल्यू क्या दिया रहेगा वन, तब आप एक्स के जगह पे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पाई बाई फोर, फिर एक पाई था ना, फिर चार जोड़िए, तो एक में चार जोड़ेंगे पांच पाई बाई चार, फिर पांच में चार जोड़िए नौ पाई बटा चार, तेरह पाई बटा चार, सत्रह पाई बटा चार, इक्कीस पाई बटा चार, ऐसे ही सो ऑन का मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा, कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है। तो आप चीजों को याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जगह पे आप पाई बाई फोर रखेंगे ना तो वन आ जाएगा, साइन टू इंटू एक्स के जगह पे जब आप फाइव पाई बाई फोर रखेंगे ना तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको अगर विश्वास नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, साइन टू एक्स है, अब रखो आप साइन टू इंटू एक्स के जगह पे, तो हम लोग वैसे ही कुछ भी रख सकते हैं, आप रख लो पाई बाई फोर, टू से टू कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो साइन हो जाएगा पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का मतलब होता है साइन 90 और इसका वैल्यू आ गया वन। यानी कि दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर साइन टू एक्स का वैल्यू वन हुआ तो एक्स के जगह पे हम पाई बाई फोर भी रख सकते हैं, फाइव पाई बाई फोर भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, वैसे ही। अब फिर से आपको लगता होगा कि सर इस पे आप चेक करके दिखा दो, दिखा देता हूं, साइन टू एक्स इसका मतलब हुआ साइन टू इंटू एक्स, एक्स की जगह पे फाइव पाई बाई फोर, दो दुना का चार, यानी कि साइन फाइव, पाई का वैल्यू कितना होता है 180 बटा में टू, और टू से कितना बार में कटेगा 90 बार में, तो साइन कितना 450। अब जो साइन 450 है ना, इसका वैल्यू आप कैसे निकाल पाओगे भाई, तो साइन 450 का जो वैल्यू होता है ना वो भी वन ही होता है। अब आप बोलोगे कि सर साइन जो 450 है उसको आपने कैसे एक लिख दिया, तो हम लोग 11th के फार्मूला पढ़े थे कि साइन जो है 450 है, आप इसको लिख सकते हैं साइन 360 प्लस में 90, इसको तोड़ दिया इतना इतना के पार्ट में, उतना ही के पार्ट में तोड़ना है जिसमें हम लोगों को दोनों पे साइन का मान पता है। जैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए कोस बी का मतलब हुआ साइन 360 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 90 प्लस कोस ए यानी कि कॉस 360 इंटू साइन 90। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे साइन 360 का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हम लोगों को कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 90 का वैल्यू होता है 0 और 0 से इसका गुणा कर दिया जाए तो 0। लेकिन दोस्तों कोस 360 का वैल्यू भी होता है 1
और साइन 90 का भी वैल्यू कितना होता है 1, साइन 90 का भी वैल्यू 1 और कॉस 360 का भी वैल्यू 1 और 1 को गुणा किया तो 1। इसका मतलब दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 2x का वैल्यू अगर 1 है तो x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, तो पाई बाई 4, 5π बाई 4, 9π बाई 4, 13π बाई 4, 17π बाई 4, 21π बाई 4, 25π बाई 4, ऐसे ही हम लोग सो ऑन चलते जाएंगे। बहुत सारी नंबर हो सकती है जो हम x के जगह पे रखेंगे तो उसका आंसर 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। तो हम चेक करके दिखा दिए ये 2 पे, आप ऐसे ही चेक करेंगे तो आगे भी आप बढ़ते जाएंगे। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज था दोस्तों। दूसरा क्या था कि अगर याद रखिएगा कि अगर साइन 2x का वैल्यू 1 आता है तो हम x की जगह पे पाई बाई 4, 5π बाई 4, 9π बाई 4 ऐसे ही कुछ रख सकते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा हो गया, हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज के पास आते हैं कि तीसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उन चीजों को समझते हैं। तो जो तीसरा प्रॉपर्टीज है, यानी कि दो प्रॉपर्टीज हम लोग सीखे, तीसरा प्रॉपर्टीज अगर दोस्तों अभी हम लोग सीखे कि साइन 2x का वैल्यू अगर 1 हो जाए, अब अगर दोस्तों साइन x बराबर कोस x दिया रहे, इफ साइन x इज इक्वल टू कोस x, देन x बराबर पाई बाई 4, 5π बाई 4, 9π बाई 4, etc, सो ऑन, सो ऑन, सो वन नहीं, सो ऑन। अब आपको ये बात पता चलना चाहिए कि अगर कभी भी लाइफ में साइन एक्स बराबर कॉस एक्स आ जाए, देख पा रहे होंगे साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, तो दोस्तों जब साइन एक्स बराबर कॉस एक्स अगर आ जाता है तो आप एक्स के जगह पे क्या क्या रखेंगे, पाई बाई 4, 5π बाई 4, 9π बाई 4 ऐसे ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सिंपल है, आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से तरीके से याद रहना चाहिए कि साइन 2x बराबर अगर 1 रहेगा तो हम x का वैल्यू भी वही वही पुट करते हैं जो यहां पे पुट कर रहे हैं। अगर साइन x और कोस x अगर आपस में बराबर है तो x का मान यही यही पुट किया जाता है। आप चेक करने के लिए x का वैल्यू दोनों में इक्वल रख सकते हैं, चेक x के जगह पे हम पाई बाई 4 को चेक करते हैं, तो यहां पे एक तरफ दिया है साइन x, तो साइन पाई बाई 4, एक तरफ दिया है कॉस x यानी कि कॉस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 और पाई बाई 4 का मतलब साइन कॉस 45, और साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2, कोस 45 का भी वैल्यू 1/√2। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल है तो एक्स का वैल्यू पाई बाई 4, 5π बाई 4, 9π बाई 4 ऐसे ही हम लोग अगर आगे रखते जाएंगे तो ये एक्स का वैल्यू हम लोगों को इस तरीके से निकलेगा। चेक करने के लिए दिखा दिए, वैसे ही 5π बाई 4 दोनों तरफ रखेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 कि चौथा प्रॉपर्टीज क्या है। चौथा प्रॉपर्टीज है हम लोगों का कि अगर यहां पे इफ साइन एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस कॉस एक्स का हो जाए तब क्या एक्स एक्स का वैल्यू होगा। साइन एक्स का वैल्यू माइनस एक्स के बराबर है, देन एक्स बराबर 3π बाई 4, 7π बाई 4, 11π बाई 4, 15π बाई 4, सो ऑन। ध्यान दीजिएगा ये बात क्या बोल रहा है,
आपको सब चीज ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बहुत ये चीजें हार्ड होती है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। बसरते आपको एक चीज को दिमाग में घुसाना है कि अगर दोस्तों साइन एक्स का वैल्यू अगर माइनस कोस एक्स के बराबर है तब एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो अगर साइन एक्स का वैल्यू माइनस कोस एक्स के बराबर है तब यहां पे एक्स का जो वैल्यू दिया जा सकता है वो क्या दिया जा सकता है, 3π/4 और 3 में 4 जोड़ेंगे 4 × 3 = 7π/4 और 7 में 4 जोड़ेंगे 11π/4, 11 में 4 जोड़ेंगे 15π/4, ऐसे ही आगे चलते रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स दिया रहेगा तो एक्स का वैल्यू आप इतना चीजें रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इतना चीजें हम लोग रख सकते हैं। और कुल मिलाकर अगर साइन एक्स का वैल्यू एक्स कॉस एक्स दिया रहेगा प्लस में तो हम एक्स का वैल्यू ये चीजें रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू आप इधर रखो माइनस में इधर, एक्स का वैल्यू आप 3π/4 रखोगे यहां पे तो दोनों तरफ की चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो जो ये ट्रिगोनोमेट्री का चार प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे, यानी कि जब भी एक्सरसाइज शुरू होगा हम लोग वहां पे इसका इस्तेमाल देखेंगे। फिलहाल अभी आपको याद कर लेना चाहिए सिर्फ इतना कि अगर क्या क्या रहेगा तो हम एक्स का वैल्यू क्या क्या पुट करते हैं, क्या एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ध्यान रहे यहां पे 3π/4 से शुरू करना है, हर बार 4 बढ़ाते जाना है, ठीक है। नीचे में तो 4 रहेगा ही रहेगा, तो इसके वजह से ये हम लोगों का टॉपिक्स अभी आगे चल रहे हैं। अभी हम लोग आगे टॉपिक्स में चलेंगे क्योंकि अभी थ्योरी में हम लोगों को और कुछ सीखना है। चलिए तो अब लिखा जाए टॉपिक लोकल मिनिमम। दोस्तों बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चीजों को सीखने वाला समझदारी वाला ये चैप्टर है, क्योंकि पिछले बार हम लोग जब टॉपिक्स दिए थे, पिछले बार का मतलब कब, जस्ट 20-25 मिनट पहले, जिसमें 6.5 को एक्सरसाइज को शुरू कर रहे थे, वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में पढ़ा। लेकिन अब एक नाम आ गया लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। अब ये चीजों को समझ रहा है कि आखिर हम लोकल मिनिमम किसको कहते हैं, लोकल मैक्सिमम किसको कहते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए अब जरा कुछ बात लिखेंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, अगर कोई इस तरह के सा फंक्शन रहेगा और हमें उसे चेक करना है कि लोकल मिनिमम है या मैक्सिमम, अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस बी है और हमें चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है, तो सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, पहला काम, फर्स्ट वी फाइंड एक्स यूजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। अगर दोस्तों सवाल वही रहता, एक्स प्लस बी ही सवाल है लेकिन इसमें सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम चेक करना है, तब आपको एक्स पार्ट को देखना पड़ेगा जो हम लोग पिछले 15-20 मिनट पहले हम लोग पढ़े थे इस चीज को। तो अब आ गया एक नया नाम वाला, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम कब निकालते हैं और लोकल मिनिमम कब निकालते हैं, क्योंकि यहां पर सवाल सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम है, ठीक है।
तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स प्लस बी होगा तो फर्स्ट वी फाइंड एक्स, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है किसका यूज करके, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो यूज करके इसमें से एक्स का वैल्यू निकालना है। फिर क्या करना है, अगेन चेकिंग करना है एफ एक्स एट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू जो है चेक करना है इसमें एफ एक्स में कि क्या हमें दिया हुआ था, और फिर डिसाइड होगा कि अगर मैक्सिमम होगा तो लोकल मिनिमम का है मैक्सिमम, और अगर मिनिमम होगा तो लोकल मिनिमम कहलाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हमें ax प्लस b दिया हुआ है कोई फंक्शन में और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हमें चुनना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे किसका यूज करके, तो f डैश x बराबर जीरो का यूज करके। फिर दूसरा पॉइंट में क्या हो सकता है, अगेन चेक एट द वैल्यू ऑफ इन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहे, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहे, जो एक्स का मान आप निकाले होंगे पहला से निकालेंगे उसको हम लोग इस इक्वेशन में इस एफ एक्स में चेक करने के लिए वैल्यू को रख देते हैं। अगेन चेक एट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू रख के इसको चेकआउट करना होता है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। और फिर तीसरा पॉइंट का पहला, क्योंकि तीसरा में जो है ना वो दो बात है, इफ एफ एक्स का वैल्यू अगर मैक्सिमम मिलता है देन, एफ एक्स का वैल्यू अगर मैक्सिमम मिलेगा तब हम इसको बोलेंगे कि ये लोकल मैक्सिमम भी है, देन इट इज लोकल मैक्सिमम, देन इट इज लोकल मैक्सिमम। अगर मान लिया जाए कि कुछ इस तरीके से बोलेगा कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम, अगर एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया मिनिमम आ गया, तो हम बोलेंगे देन इट इज लोकल मिनिमम। ठीक है, तो अगर आपको आज से सीख लीजिए कि अगर आपको चेक करना होगा कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को चुनिए, तो हम लोग कैसे चुनेंगे, तो यही तीन क्राइटेरिया है उसको चुनने का। तो ये जो तीन क्राइटेरिया है, अगर हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, अगर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना रहेगा, हमें यही तीन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर करके। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ द एक्स इन एफ एक्स में। और तीसरा, अगर एफ एक्स का मान मैक्सिमम आता है तब हम बोलेंगे कि यह लोकल मैक्सिमम है, अगर मिनिमम आता है हम बोलेंगे लोकल मिनिमम है। ठीक है, चलिए अब लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखते हैं कि क्या होता है अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना होगा। तो क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 6x² + 9x + 15। ठीक है, x³ - 6x² + 9x + 15 then find local मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। हमें क्या बोल रहे हैं सवाल में,
कि एफएक्स का वैल्यू दिया है दोस्तों, तो एफएक्स का वैल्यू दिया है और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, हमें निकालने के लिए बोल रहा है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पिछले बार जब हम लोगों ने पढ़ा तो सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम था, अभी हम लोग सीख रहे हैं लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। तो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम को चेक करने के लिए सॉल्यूशन करते वक्त आपको पहला क्राइटेरिया है एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करने का, ठीक है। आप एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालिए, तो आप यहां से एफ डैश एक्स क्या होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 12x प्लस 9 और 15 का तो डिफरेंशिएशन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तीन तीन सब में कॉमन है। देखो आप इसका इस्तेमाल करके सवाल में क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू एक्स यूजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर जीरो का इस्तेमाल करके हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है तो थ्री कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो होगा ना, तीन कॉमन कर रही है। अब जानते हैं कि तीन इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो तीन जीरो में तीन से भाग करेंगे तो जीरो, इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं, तो गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 3x और माइनस x मिलकर माइनस 4x हुआ प्लस 3 इक्वल टू जीरो। अब हम लोग जानते हैं गुणनखंड तोड़ना, तो आपने इसको क्या कर लिया, गुणनखंड तोड़ लिया इज इक्वल टू जीरो। तो गुणनखंड में क्या क्या आया भाई, तो x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहां से हम लोग दो क्राइटेरिया यूज करते हैं, एक बार इस गुणनखंड का वैल्यू जीरो करते हैं, यानी कि x माइनस 1 बराबर जीरो एंड x माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 और x का वैल्यू कितना हो गया 3। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, कि अगर कोई भी fx है f डैश x बराबर जीरो का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना। हमने x का वैल्यू निकाल लिया, कितना आया x का वैल्यू, दो ठो, एक x का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू 3 आया। अब क्या सवाल बोल रहा है कि इस x का जो वैल्यू आया अब इसको fx में रख के चेक करना है, ठीक है, यानी कि एक बार आप 1 रखो एक बार आप 3 रखो, किसमें, तो fx में जो हमें सवाल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग fx में चेक करते हैं, तो अब हम लोग इसके आगे कैसे लिखेंगे फिर मिटाते हैं इधर से। यहाँ पे एट एक्स बराबर 1, ठीक है, एक्स बराबर 1, अगर एक्स बराबर 1 पे आप अगर चेक करते हैं दोस्त, तो चूंकि आप लिखेगा एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, इसलिए दोस्तों एफ 1 का वैल्यू निकालना है। हम क्या बोले, देखिए चीजों को जब आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कीजिएगा ना, वो चीजें आपको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऐसे सोचो कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे चेक करते हैं, तो कोई भी दिया गया एफएक्स का जो वैल्यू है उसको एफ डैश एक्स बराबर जीरो करके आप एक्स का वैल्यू निकाल लो, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा उसको आप एफएक्स में डालकर चेक कर लो कि कितना कितना वैल्यू आ रहा है। हम क्या किए, x का वैल्यू मेरा 2 आया, तो दोनों को बारी बारी से चेक करेंगे, समझ में आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो x का जहां जहां x है आप वहां 1 रख दो प्लस 9 × 1 प्लस 15, यहां पे 1 हुआ माइनस 6 हुआ प्लस 9 हुआ प्लस 15 हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहां पे 15 और 1 16, 16 और 9 25 और 25 में से 6 गया कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 इसका आंसर होगा। कब, जब x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 19 आ रहा है, अब जरा अब आप x बराबर 3 रखो तो
तो उसके नीचे लिखिएगा, ठीक है, नीचे कैसे लिखिएगा, एंड एंड एट एक्स बराबर तीन, ऐसे लिखिएगा। तो हम लिखेंगे एट एक्स बराबर तीन, तो एफ एक्स का तो वैल्यू वही रखेगा, एफ थ्री रखेंगे तो तीन का क्यूब, यहां तीन, यहां तीन, तो टोटल मिलाकर अब कितना है? इसका वैल्यू आ जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, ठीक है। ये देखिए 27, 27 कितना होता है 54, और 54 ये खुद माइनस में, तो ये कट आउट हो जाएगा और यहां आ जाएगा 15। आप सोचो भाई कि x का वैल्यू 1 रखने पर कितना आया था, 19 आया था, लेकिन x का वैल्यू 3 रखने पर आपको कितना आया, 15। तो जो आया वैल्यू वो कितना कितना आया, तो 19 आया और 15 आया, तो 19 बड़ा कि 15 बड़ा, 19 बड़ा, तो हम उसको बोलेंगे 19 को लोकल मैक्सिमम और इस 15 को बोलेंगे लोकल मिनिमम। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कैसे होगा, सो लोकल मैक्सिमम इज इक्वल टू 19। लोकल मैक्सिमम का मान कितना आया 19। जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको हम लोग चेक करना पड़ता है जो एफएक्स सवाल में दिया गया होता है, तो वहां से पता चला कि लोकल मैक्सिमम कितना आया 19 आया, और कितना पे, तो एट एक्स बराबर 1 पे, तो ये पूरा आंसर हो गया। एंड लोकल मिनिमम, यानी लोकल मिनिमम कितना आया, तो लोकल मिनिमम आया कम वाला यानी कि 15, तो लोकल मिनिमम बराबर 15 कितना पे, तो एट एक्स बराबर 3 पे, क्योंकि 3 पे ही ना चेक कर रहे थे तो कम मिला। तो ये तीसरा वाला बात हो गया, तीसरा वाला का 2 पॉइंट्स लिखे है ना, कि अगर एफ एक्स का मान बड़ा आता है, मैक्सिमम आता है, वही लोकल मैक्सिमम होगा। जैसे एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे करते करते 15 आया जो कम था, तो इसी को हम लोग बोल देंगे लोकल मिनिमम। अगर एफ एक्स का वैल्यू यूज करते करते 19 आया यानी कि वो बड़ा था, तब हम उसको बोल देंगे लोकल मैक्सिमम। दोस्तों अगर कोई सवाल को अगर हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम चेक करना होगा, आप इन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, आप इन्हीं क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। चलिए, तो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को आप समझ लिए होंगे। हालांकि दोस्तों इसका ज्यादा से ज्यादा यूज हम लोगों को सवाल में करना है, अभी तो हम लोग एक थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमम कैसे निकालते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चीजों को नोट डाउन कर लो, नो डाउट्स, आपको जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलेंगे तो आपको इस तरीके की क्वेश्चन मिलेगी, आपको हम वहां पे समझा देंगे, वहां पे आपको चीजें समझ आ जाएगी। चलिए आगे हम लोग अभी थ्योरी ही पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग टॉपिक्स को पढ़ेंगे कि क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में सीखा जाए हम लोगों को कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बाद अब आता है नेक्स्ट दोस्तों एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अब टॉपिक्स दिया जाए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। चलिए देखिए अब चीजें जो है ना बदल रही हैं, और देखो आप जो है ना इस चीजों को याद नहीं करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ये चीजें आपको खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और प्रैक्टिस आपको हम करवाएंगे जब एक्सरसाइज 6.5 शुरू होगा, ठीक है। अभी तो हम लोग उसको थ्योरी को पढ़ रहे हैं कि आखिर ऐसे सिचुएशन रहेंगी आपको ऐसे काम करना है, ऐसे चीजें आएंगी आपको ऐसे ट्रीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम किसे कहते हैं या फिर ये क्या होता है। ध्यान रहे हम लोगों ने शुरू में सीखा मैक्सिमम मिनिमम के बारे में, फिर कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज था उसको हम लोग सीखा, फिर हम लोग अभी जो सीख रहे उसके बाद सीखा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, फिर अभी जो सीख रहे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं
कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है, इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इस सवाल में दोस्तों सबसे पहले एक एफएक्स दिया हुआ रहता है, जब एफएक्स मान लिया एएक्स प्लस बी है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक इंटरवल दिया रहता है, मान लिया सी और डी इंटरवल में है। ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, जब भी आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना होगा, आपको क्या दिया हुआ रहेगा सवाल में, एफएक्स का मान और एफएक्स के मान के साथ साथ आपको एक इंटरवल दिया रहता है। इंटरवल तो आप समझ रहे हैं ना, ब्रैकेट में दो इंटरवल, दो चीजें दी गई रहती है जिसको हम लोग इंटरवल कहते हैं। आपको यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे, तो कुछ उसके लिए कंडीशंस हैं। हालांकि दूसरी बात, हम लोगों को यहां से देखकर पहचान होनी चाहिए कि अगर हमें एफएक्स का वैल्यू दिया रहेगा उसके साथ साथ हमें इंटरवल दिया हुआ रहता है, इंटरवल दिया हुआ रहता है, तब हमें समझ में आना चाहिए कि यहां पे क्या कौन सा मैक्सिमम निकलेगा, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम। हालांकि ये सभी सवाल में बोल ही देता है अक्सर कि आप इस सवाल के लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालो, इस सवाल के लिए लोकल मिनिमम निकालो, इस सवाल के लिए सिर्फ मैक्सिमम निकालो। तो ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज पे, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है, मैक्सिमम मिनिमम अलग है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम अलग है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम, तीनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर दोस्तों यहां पे सवाल अगर इस तरीके से दिया रहेगा, तो सबसे पहले जो काम करना है, देन फर्स्ट वी फाइंड एक्स यूजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। दोस्तों करना क्या है, जैसे कि अभी हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में चल रहे थे, वैसे ही काम करना है। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, किसका यूज करके, एफ डैश एक्स बराबर जीरो का इस्तेमाल करके आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है किसका यूज करके, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो का यूज करके। ठीक है, फिर क्या करना है कि चेक करना है, देखेंगे दूसरा में, अगेन चेक एट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफएक्स एंड एट इंटरवल सीडी। देखिए सवाल यहां पे क्या था, वहां पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के लिए भी दोस्तों हम लोग एक्स का मान जो निकल रहा था उसको हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहां पे भी आपको जो एक्स का मान निकलेगा उसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक तो करेंगे ही, लेकिन दोस्तों सी और डी पर भी चेक करना होगा, यानी कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों को तो चेक करना ही करना है, लेकिन कहाँ कहाँ चेक करना है, तो सी पर भी डी पर भी और एक्स का मान जो निकालेंगे उस पर भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, चेक करना होगा। ठीक है, और फिर जिस पर मैक्सिमम मिलेगा जिस पर मिनिमम मिलेगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कहेंगे। यानी कि तीसरा पॉइंट में है, इफ एफएक्स का वैल्यू अगर मैक्सिमम आता है देन इट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एबीएस का मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और दूसरा बी में लिखा हुआ है इफ एफएक्स इज इक्वल टू मिनिमम देन इट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम को भी हम लोग पढ़ रहे थे। अब ये तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हमें तो कुछ ना कुछ इसके लिए एग्जांपल करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं।
ध्यान रहे हम लोगों को सबसे पहले x का मान निकालना है किसका यूज करके, एफ डैश एक्स बराबर जीरो का यूज करके। जो x का मान निकलेगा उस मान पे भी हम लोग चेक करेंगे और साथ साथ जो इंटरवल में मान दिया हुआ है उस पे भी हम लोग चेक करेंगे। इस तरीके से मेरे लिए तीन चार पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि मुझे तो इंटरवल वाला मान पे भी चेक करना है और जो x का वैल्यू आएगा उस पे भी चेक करना है। अब जितना चेक करने के बाद जिसपे मैक्सिमम होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे और जिसपे मिनिमम होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। जरा चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसके लिए। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन है इस तरीके से, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, जहां एक्स का जो वैल्यू है वो माइनस थ्री और वन है, इंटरवल दिया है, इंटरवल दिया है, और फिर हमें बोल रहा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और या एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है, हमें क्या बोल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालो या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम निकालो। सवालों में दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशन एफ डैश एक्स का जीरो के बराबर करना है। अब एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे भाई, तो जब x माइनस वन का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला बात पहले आ जाता है, फिर x माइनस वन के पावर वन, क्योंकि दो है ना तो पावर एक, तो इसका कुल मिलाकर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से करोगे तो क्या मिलेगा टू इंटू एक्स माइनस वन, और थ्री का तो डिफरेंशिएशन जीरो। देखो अब हम डिफरेंशिएशन पे बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा मान के चलेंगे अब कि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे तरीके से आती है, आप इसको तोड़ कर भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ दो और फिर आप इसको डिफरेंशिएशन कर लो, तो कैसे भी कर सकते हो, बशर्ते एफ एक्स का वैल्यू दिया है इसका डिफरेंशिएशन रखना है, हमें रख दिया, बराबर में कितना करना है जीरो। अब इसका इस्तेमाल करके आप एक्स का वैल्यू निकालो, तो हमने करा यहाँ पे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो है दो से डिवाइड होगा जीरो, इसलिए दोस्तों x का वैल्यू कितना आया वन। अब जितना x का वैल्यू आता है उतना पे हमें चेक करना पड़ता है और साथ साथ इंटरवल कितना है माइनस थ्री और वन, यानी कि यहां पे कितने पॉइंट पे चेक होंगे तीन पॉइंट, एक वन पे जो हम लोगों को आया है और एक माइनस थ्री पर और एक फिर से वन पे, क्योंकि यहां पे इंटरवल जो दिया है यानी कि इंटरवल में जो चीजें दी गई रहेंगी उस पे भी चेक करना है और जो मेरा एक्स का वैल्यू आया है इस पे भी चेक करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा हम लोगों को एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कुछ इसी तरीके से निकालते हैं। अब यहां पे हम चलेंगे एट एक्स बराबर कितना पे वन पे, तो एट एक्स बराबर वन पे चूंकि एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो इसलिए आप एफ वन निकालो, तो एफ वन मिलेगा क्या, तो यहां पे वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में थ्री, तो वन में से वन गया जीरो और जीरो का स्क्वायर जीरो और उसमें तीन ऐड करना है तो तीन होगा, यानी एक्स बराबर वन पे एफ एक्स का वैल्यू कितना आया थ्री, ठीक है। अब निकाल लो आप एट एक्स बराबर कितना पे माइनस थ्री पे, क्यों भाई, क्योंकि एक इंटरवल में माइनस थ्री भी है, ठीक है, एट एक्स बराबर माइनस थ्री करोगे तो एफ माइनस थ्री कितना आएगा दोस्तों, तो जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस थ्री रख दो तो यहां हो जाएगा प्लस थ्री, यानी कि सोलह प्लस तीन इज इक्वल टू उन्नीस, माइनस तीन माइनस एक माइनस चार का होल स्क्वायर सोलह और तीन जोड़ देना है, फिर एट एक्स बराबर वन, तो एट एक्स बराबर वन पे भी तो तीन ही आएगा ना। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन तीनों में जो जो चीजें हमें मिली है मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम किस पे है, तो मैक्सिमम 19 पे आया,
तब हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 19। किस पॉइंट पे? तो -3 पे। तो यहां पे हो जाएगा, अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं। यानी कि देखो इसमें एक ही अंतर है ना कि आपको इंटरवल पे भी चेक करना है, एब्सोल्यूट के लिए इंटरवल पे भी चेक किया जाता है। यहां लिखिएगा सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 19 एट कितना पे? एक्स बराबर -3 पे। और हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम कितना आया? तो 3 आया। कितना पे भाई? तो एट एक्स बराबर 1 पे। इस तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ा, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। तो कितने तरह के होते हैं और अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम को हम लोग कैसे चेकआउट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। हालांकि फिर भी थोड़ी सी और थ्योरी रह गई है, तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जितनी चीजें आज पढ़े हम लोग, जब तक कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, फिर भी हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं लगने वाला है। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे तो फिर हम लोगों को और कुछ समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।